इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड मिडिल लेयर कॉल्ड मेसोडर्म। अच्छा बच्चों, इन तीनों लेयर्स को जर्म लेयर्स कहा जाता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। अच्छा, कैसे और क्यों ये जर्म लेयर्स सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म कर रही है? वो इसलिए बच्चे क्योंकि इनर सेल मास के पास सर्टन सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें की स्टेम सेल्स कहा जाता है एंड दीज स्टेम सेल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसी तरीके की क्विक रिविजन वीडियोज के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज़।